ये चार्जर जो था पकड़ा गया, ये बैठा हुआ है हमारा बाहर आदमी। पता नहीं लगता जैसे किसी का बुरका आगे क्या हुआ है। ये लिफ्ट बंद हो गई थी तो आराम से गलत हो गई। 1420 रुपए का खर्चा किया है जी ट्यून। अच्छा हाँ, आप लोगों से मैंने एक बात करनी थी। चलो जी खड़ी भी हम करें। जब जिंदगी में ख्वारी लिखी हो तो ख्वारी होती है। ये चार्जर जो था पकड़ा गया, कहते ओरिजिनल नहीं है। अब हम ओरिजिनल के पीछे भागते हैं और खुद को नुकसान से बचाते हैं। अगर अभी भी कुछ ना हुआ ना, फिर समझ नहीं आ रही क्या करें। अब अल्लाह करे ये चार्जर वो वापस ले ले जो जिस बंदे से लिया था। ले भाई चार बंदे गायब, बंदा गायब। अच्छा यहाँ से हमने चार्जर लिया था ना, वो चार्जर लेके आया तो तेज़ भागे जैसे पता नहीं उसमें ओरिजिनलिटी डाल देगा, पता नहीं क्या कर देगा। कि मैं हो के आता हूँ। हाँ ओरिजिनल लेके गया है, वो कहीं से ढूंढ के लाएगा। अल्लाह करे मिल जाए ना तो यार हमें 5,000 मिल जाए। मतलब बहुत ख्वार हो गए, हद है यार। जो लोबिया का है तो हजम हो गया। ये बैठा हुआ है हमारा अखबार आदमी। तीन हजार बहुत ज्यादा ही कट रहे हैं ना। 1100 अच्छे 1100 लगा देते हैं, उससे बच जाएंगे। अरे वो चार्जर लेके चले ही गए लगता है। अच्छा हम ना असल में ये बात कर रहे थे कि सच काम नहीं आता यार, अक्सर झूठ बोलना चाहिए। लेकिन खैर मैं कोई अच्छी बात नहीं कर रहा। क्या करें यार, ख्वार कर दिए सच नहीं वाला। अब ये देखो ये ओरिजिनल तार, अब इस तार ये वो तार हम कहते ना ओरिजिनल, कहते नहीं ये देसी ले आओ। यार अब जो ओरिजिनल देख रहे हैं उसकी कदर कर लो बगैर तो वाला हमें ना क्या। अभी अंदर अंदर बहुत गुस्सा है लेकिन पता नहीं कैसे हंस रहे हैं बाहर से। अच्छा जी बहुत कॉन्फिडेंस, नहीं कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते। बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। अगली बार अगर चोर होंगे ना तो पूरी चोरी करके आएंगे। अपने बेचना अपना खून था मैं बताइए। हाँ अब हम बहुत तेज़ हो चुके हैं, क्या करना है किस तरह करना है अगली बार बड़ा ख्याल करेंगे हम। 50% मतलब 50% रुपीज आपसे लिए जाएंगे क्योंकि ठगी अब क्लास की करेंगे ना। तो अभी हम जरा इतनी खूबसूरत जगह पे वॉक कर रहे हैं गार्डन में। इधर गार्डन में यहाँ एक बंदे ने नंबर भी लिया था एक का। खैर चलो हम कोई लोग कहते हैं ऐसे कैमरा ना पकड़ो नाक दिखती, ऐसे देखते थे। अच्छा जी तो थोड़ी सी ख्वारी के बाद हम थोड़ा आराम करने आए। दिस इज एप्पल जूस नॉट वाइन। ओके तो इनके हैं कोई शुजा अंकल हैं, बड़े अच्छे लगे, बड़े अच्छी बातें कर रहे थे। सदर में एक मोबाइल शॉप के ऊपर बैठे हुए हैं हम। ये किसी का कोई ड्राइंग रूम नहीं है, अभी देख लेना नीचे उतरूँगा ना तो वो निकलेगा। तो दिस इज़ ऑफिस टाइप, हुजरा टाइप ऑफिस। तो बड़ी अच्छी गपशप लगी। तो फिलहाल मायूसी है, उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया कि हमें चार्जर मिल जाएगा ओरिजिनल। तो हम जिसके पास खड़े थे ना पहले उसे हमने कहा है ओरिजिनल चार्जर वो दे,
का शायद। अब ये भी शायद की बात है क्योंकि यहाँ किसी का दीन ईमान की समझ नहीं आती। बाकी थोड़ा सा टेंशन एंड आई एम इंजॉइंग ठंडा ठंडा जूस। हाँ अभी 3000 रुपये गपशप थोड़ी। ये असल में इनके अबू और हमारे अंकल उठ रहे नहीं हैं, ये असल में उसी के इंतज़ार में वो उठे हैं मशवरा करने में कोई आ रहा है। नाजरीन बेगैरतियों की कोई कमी नहीं है, मतलब ओरिजिनल जाके जब हमने उसके हाथ में थमा दिया उसमें भी उम्मीद में निकाल रहा था, लेकिन यू आर ब्रो गॉड 5000। हाँ ओरिजिनल मेरे पास है, ओरिजिनल तो हमने फ्रेम करा दिया। इसके कहाँ गया अभी तो बहुत कुछ बोलने का दिल चाह रहा है, लेकिन बस चलो चलो ठीक है। इतनी मुश्किल से कंट्रोल की हुई थी ना उस बॉक्स। हाँ आप चल रही है। हाँ मैं चाह रहा हूँ सलाम करते। अच्छा मुझे पता तो चले सही चीज बेच रहे। यस उसे जरा सलाम तो करके आए ना कि उसने सही चीज दी है। हाय ये टाइम सेंटर में हमारा चौथा चक्कर है। शॉप का दिखा दो सर। ये नंबर चलते है ना? आपको तो लाए, आपको तो सबसे पहले लाए। चलिए बहुत शुक्रिया। खैर मैंने पीछे जो भाई का नंबर दिया है उधर ना एप्पल सैमसंग जितने भी ब्रांड है सबका ओरिजिनल माल मिल जाता है, तो ना आप लोग कांटेक्ट कर लें और आ जाएं पेशावर। पेशावर में टाइम सेंटर सदर ब्लोर प्लाजा के सामने ही है, ठीक है, वहाँ उनकी शॉप है। शुरू शुरू में ही है, छोटी सी है, लेकिन काम करते हैं हम बड़े बड़े। तो बस अच्छा हो गया, मिल गया है 5000 में, मिल गया है, ख्वारी भी दबा के की है। मैं रोज़ाना वॉक निकलता हूँ ना, ये मुझे रोज़ाना वॉक करा देते हैं कहीं भी लेके जाए। खैर ये बड़ा स्टाइलिश ट्रैफिक वाले इस तरह रखा बाइक आगे शू चालान हो जाए चाहे नहीं तेरा फिर बेचने के लिए फिर रहा। अच्छा वापस जाते हैं, बाइक के हालात चेक करते हैं क्या क्या हुआ, कुछ हुआ या बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। टांगे दुख रही है, टांगे दुख रही है। आप लाइटें लगाएंगे आज? लाइटें सस्ती। मेरी बाइक में एक लाइट लगी हुई है टंकी के नीचे और सीट के नीचे, एंड ही इज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय इट, सो ये भी लगाएगा। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है टैक्सी वाले सारे मुझे देख रहे हैं, ये देखो कहाँ फंस गए। Soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real. पता नहीं लगता है जैसे किसी का बुर्का आ गया क्या हुआ है। ये लिफ्ट बंद हो गई थी। हुई ये रालू। उसी में जाए। हाँ। इसे था यानी बिल्कुल मुंह पे दरवाजा बंद हो गया और ये चली गई। हॉस्पिटल तो जाए। चला ये हॉस्पिटल चौक कौन सा भैया, अगर सदर में रुकी नहीं तो वो क्या है होते काल में ना रुकी तो। ये अपनी बाइक देख रहे हैं और हम लोग गलत हो गए।
चलो बाइक खड़ी हुई थी, पता नहीं काम हो रहा नहीं हो रहा। हम यूनिवर्सिटी हम ये देखो स्टेशन से गुजर रहे हैं, हम गलत हो गए थे मेरी वजह से। पहले चार्जर ने ख्वार करवाए, पहले इसने मुझे ख्वार करवाया, फिर मैंने बदले उतार के इसे ख्वार कर। एक्चुअली यार हमने थके हुए थे, बस हम बैठने की है कि खाली बस है और पता नहीं चल। अब हम मेरी यूनिवर्सिटी के पास उतरेंगे और वापस आएंगे। बैड लक। अच्छा जी, तो मैं यूनिवर्सिटी के पास आ चुका हूँ। देख भाई, थोड़ी सी दुखारी बनती है, मेरा खर्चे नहीं करवा रहा है इसे। मैं सिर्फ 70 रुपये महंगा पड़ा हूँ, 70 रुपये का मुझे ख़रीद के लाया है, क्योंकि 70 रुपये का ही रास्ता हुआ है। खाना तो खिलाएगा ना, अब इतना तो हक बनता है भाई। देख भाई, गुलबार चौक भी सीधा ही जाए। नहीं यार, ये रुके, गुलबार चौक से हमारी बड़ी यादें वापसते हैं। अभी हम आगे जाते हैं, अब इंशाल्लाह तकाल बाला में उतरेंगे। इसको मैंने दिल लगा कर ख्वार किया। वैसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, BRT प्लस मार्केटिंग प्लस आपने कैसे आपने हैंडल करने से। अगर आप लोगों ने हमारे ब्लॉग से कुछ सीख लिया ना, तो मज़े कर जाओगे, ना सीखा तो बर्बाद। खैर से 5 मिनट यहाँ हमने खड़ा होने, so don't lose it, you got this fam, just keep pushing on through it, one day you'll look back so glad you pursued it. Yeah, things are gonna get better real soon. तो फाइनली हम और याद आ रहा है, इसको एक कवर पसंद आ गया, उसे याद आ रहा है, ले लेता, पता नहीं क्यों नहीं लिया। 300 रुपये का था, 300 का था, क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर दिस गरीबी। अमीर लोग कहेंगे यार 300 का तो आजकल कुछ नहीं मिलता, वो मिल रहा था, शुक्र अदा करना चाहिए, है ना। 300 रुपये में शाम का खाना खा सकते हैं। ये सो मतलब रात को फिर लोबिया खाने वाले हैं, वो भी मुस्तैज़म के साथ, क्योंकि अभी बाइक का पता नहीं, अगर हो गई हो तो मज़े ही मज़े, और अगर ना हुई हो तो। लेकिन जिस तरह का ख्वार डे चल रहा है, हम ख्वारी हो गाड़ी जब लेकर गए थे सब ज़्यादा। हाँ ये अच्छा, अब उम्मीद, एक और उम्मीद से हम जा रहे हैं कि इसकी बाइक ठीक हो गई। तो अबू की कॉल आ गई थी, उन्होंने व्लॉग बनाने में इंटरप्ट कर दिया मुझे। मैं ये कह रहा था कि अभी हम एक और उम्मीद से जा रहे हैं कि इसकी बाइक ठीक हो गई होगी या नहीं होगी, तो अल्लाह करे ठीक हो गई हो तो मज़ा आ जाएगा, वरना बस बैठ जाएंगे, थोड़ा इंतज़ार करना। लाइटें भी लगवानी है, कह रहे लाइटें लगवानी, पता चले बाइक वाला आया साथ लेकर गया। उसने अपनी यूट्यूब पे अपलोड किया है जी, देखिए आज से मेरा YouTube चैनल। यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत फारी करते हैं, आपको भी दिखाते हैं फारी, मज़ा आया हो या ना आया हो। रिकॉर्डिंग करना और फारी, हाँ ना, देखो फारी पूरी दुनिया देख रही होती है, क्या शोधे लगे भाई। वो इरफान भाई की दुकान खाली है और बाइक चढ़ी हुई है, गुड। अच्छा जी, बाइक शुक्र है तैयार हो गई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मुस्तैसम जो है वो क्या हुआ है, क्या करने, बिल शिल देने, हेलमेट मिल गया और आई थिंक सो बाइक ये गाड़ी है, बाइक लाते हैं, देखते हैं क्या हिसाब है, फिर पता नहीं लाइटें लगा रहे नहीं लगा रहे। ओ नाजरीन, पक्की कितना, 1420 रुपये का खर्चा किया है जी, ट्यूनिंग और पता नहीं क्या 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 क्या, लेदर भी डलवाए हैं जी। ओ मस्त ब्रेकें हो गई होंगी, चेक करने जा रहे हैं। बाइक सेट हो गया, ब्रेकें सेट हो गई है, मुझे बगैर ब्रेकों के बाइक देते हैं चौड़ा। आप झटका मिला है, मेरा मोबाइल खतरों में है। अब जो है बाइक इंजॉय हो रही है, रुको, वेरी रश, अल्लाह खैर होवे। ये बाइक के ब्रेक के बाद में चेक कर लेता, मेरे साथ करना जरूरी है, रश चेक करो जी।
इसके ना मुझे शॉक्स बड़े अच्छे लगते हैं अपनी बाइक से, मुझे अपने वाले ना जरा सख्त लगते हैं इसमें झूला वो चलता ही रहे बंदा, लेकिन ना सॉफ्ट है, मज़ा आता है बंदा। इसके बाद अपनी वाली चलाऊंगा लगेगा पत्थर पे चल रही है। ओ वेरी रश, आप रश देखो मेरा मुंह ना देखो, ये हेलमेट ही पहलता है मुझे पहलाता है अल्लाह खैर वफा करो वफा। दिस इज आवर नादरा ऑफिस मेगा सेंटर, ये 24 घंटे खुला नहीं होता, 7 दिन खुला रहता है। ओ कैमरा ब्लर, अल्ट्रा ब्लर, बाइक की टाइम की बंद। हाँ जी टाइम की बंद। ओए हाँ पेट्रोल भरवाने, ओए हाँ ना सीधा सीधा नीचे जा पेट्रोल भरवाना है, मैंने पेट्रोल ख़त्म किया था, बड़े नुकसान दिए आज इसे मैंने, कैसा लगा। तो फाइनली भाई साहब मान चुके हैं कि लाइटें लगा लेते हैं। हाँ? ओ हाँ तो, ये ब्लॉग में डाली क्या अच्छा है लाइट है। हाँ हाँ मॉडिफिकेशन चल रही है जी, मॉडिफिकेशन 70 की सीडी 70 पे, वो भी 2009 के मॉडल वो जिसका कोई पूछता भी नहीं, स्क्रैचेस हैं इतने। ये देखें लैम्बो डोर्स हैं इधर, एंड ये देखें ऑडी स्टाइल रनिंग, बस और नहीं जुगत होती हमसे। खैर मैं इसे वहाँ लाया हूँ जहाँ मैं खुद, ये जो पीछे होंडा की दुकान है ना, यहाँ से मैं ट्यूनिंग वगैरह कराता हूँ अपनी हीरो होंडा की, और इसे भी मैंने जगह बता दी, ईमानदारी भी बता दी, सब बता दिए। हम सबकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप लोग हमारी करो ताकि हम थोड़ा सा मशहूर हों, है ना भाई। बड़े गंदे फजूल आ रहा हूँ मैं, चलो खैर कोई बात नहीं, आज ना दिन में देख लेना, आज ना दिन दिन वाला देख लेना, ऐसे कर देना ये रात को आप लोग सिर्फ सुन लेना क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी नहा के नहीं निकले थे ना आज हम, ठीक है। इंतज़ार हो रहा है कि कुछ हो जाए। ये कोई स्नैपिंग करना होता है, खैर अभी ये डर लगा हुआ है, देखते हैं कितना खर्चा होता है, अगर ज़्यादा खर्चा हुआ सारे ये मुझसे मारे। ये और बाइक दोस्त दोस्त 200 की लाइटें, अब मजदूरी भी नहीं देगा, मजदूरी भी नहीं देगा तो देख भाई पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, और अगर पसीना आते सर्दियों में पसीना नहीं तो मजदूरी नहीं होनी चाहिए। काम चल रहे हैं, ओहो जरा इसके साइड पे चल रहे हैं मतलब। ओ नाजरीन आपके सामने है 2007 मॉडल वन एंड ओनली सीडी 70 मॉडिफाइड, वाह लग तो अच्छी रही है यार, कैमरे में अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? सस्ता काम करा दिया आपने, मैंने बाहर चलते चल भाई चल 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 ये हिसाब किताब का आदमी हिसाब किया जा रहा है। मैंने ऐसे 300 का टारगेट दिया था, 250 में मैंने करवा दिए, 50 ही आप लोगों के सामने, ये मेरे टिप है कम करवाने का। अच्छा भाई इसका दिल जो है बोर गार्डन गार्डन हो रहा है, बोर गार्डन गार्डन हो रहा है, लाइटें लगा लिया जी रोशन रोशन हो गया जी।
वन एंड ओनली सीडी 70 मॉडिफाइड। बर्थडे की ट्रीट नहीं दी अभी, आप इसको कहो के बर्थडे की ट्रीट दे। यार आपको अगर याद हो बर्थडे की ट्रीट में मैंने इसे जलील किया था, इसने ट्रीट मांगी। चलो दूंगा इंशाल्लाह, जब आप चाहो मैं दे सकता हूं। यार गाड़ी तो पुरानी होगी, देखो नंबर भी लगी है, अब तो अप्लाइड फॉर भी नहीं, जिस तरह अप्लाइड फॉर वो रहेगी इसी तरह बर्थडे भी रहेगी। बस इंशाल्लाह जब अगले साल देंगे ना बर्थडे की, सबको बुलाएंगे। सही है, इजी पैसा करेंगे आप। यार चलो इसको ना स्पेशल प्राइवेट बर्थडे देंगे बस मेरे जानने वाले इंशाल्लाह। इसका इसको बुलाएंगे और इसका एक दोस्त है उसे बुलाएंगे, वो मेरा पड़ोसी है, वो रहते हैं करीब ही रहते हैं, उसे बुलाएंगे। और नहीं नहीं मोमिन को नहीं यार, मोमिन तो सैड थे, हट नहीं, डोंट माइंड ओके। अच्छा हाँ, आप लोगों से मैंने एक बात करनी थी, बहुत तो हवा चल रही है लेकिन बात ज़रूरी है। हेलमेट किधर है? मैंने कहा हेलमेट छोड़ दिया। हाँ ब्लॉग जो हम बनाते हैं ना इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाते हैं, अगर मैं बीप बीप लगाता हूँ तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, किसी के करेक्टर की आप लोग ना सोचा करो। मैं लास्ट जो बर्थडे ब्लॉग का बड़ा मुझे सुनने को मिला है, तो काइंडली किसी का खानदान को नहीं देखते बीप से, जाइए इंटरटेनमेंट होती है तो प्लीज़ इंटरटेनमेंट लिया करें। कोई बंदा बुरा नहीं है, कोई किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, हम सारे एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, सही है, लेकिन मजाक मजाक तो मजाक होते हैं। तो दोस्तों के व्लॉग में ये ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसे में दोस्त भी कहते हैं कि यार समी आप ऐसा करते हो, फिर हमें ज़रा सुनने को मिलते हैं। तो प्लीज़ यार मेरे जो बड़े लोग हैं ना जो मुझे देख रहे हैं, तो गुजारा करें, जस्ट इंटरटेनमेंट है, बाकी हम बहुत इज्जतदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बीप जो है बस यार वो फन के लिए मैं बीप डालता हूँ, इतनी भी कोई गालियाँ नहीं होती, वो इतना नॉर्मल आप लोगों के घर में भी चलती है। अब मैं अक्सर उल्लू कह देता हूँ तो मैं उसमें भी बीप डाल देता हूँ, किसी को मैं कुछ कह देता हूँ तो बस उसमें भी बीप डाल देता हूँ, तो समझा करो आप लोग, पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, इतने बुरे नहीं हैं। ये भी हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, पेट्रोल डाल रहे थे। ओह यस, पेट्रोल नहीं डाला, सुबह से रिजर्व फिर आ रहे हैं यार। चलो अब उधर से देखो, बस बहुत मेरी शक्ल देख ली, अब समझ लेना जो मैंने कहा है, ठीक है ना। वो टू मच धुआं धुआं, अल्लाह अकबर। ओ माशाल्लाह अमीर भाई 1000 रुपये का पेट्रोल डाल, क्या बात है, हम गाड़ी में नहीं डालते। चेक करो, हाँ ये भी है यार, 1000 का ना बाइक में डाले बड़ा चलता है, और 70 में डाले तो और भी ज़्यादा चलता है। डन हो गया, 1000 रुपीज, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये इसका हफ्ता चला गया मज़ेदार, हफ्ता नहीं महीना, महीना यार, मतलब मुझे 100 cc बेचनी पड़ेगी क्योंकि मेरी तो 27 दिन चलती है। हाँ यार असल में इसका काम होता है मेरे पड़ोस में आना और वहाँ से वापस अपने घर, ये इतनी सी बाइक चलाता है बस। और जी क्या खिला रहे हो? हवा ही खिला रहे और चला रहे बस। चलो जी, अचानक पता नहीं इसके अंदर क्या घुसा है, क्या चला समझ, पकड़ो 50 रुपये भी पकड़ो, खुद साफ भी कर लिया मैंने। अच्छा बड़ा मज़ा राजी चीज़ू, सस्पेंशन का मजा उठा, मजाक नहीं मजा उठा रहा हूँ, पकड़ ले चाहे तो बंद कर दे। बॉस ये स्नेक लाइटें लगाई और एक हमने लगाई, I'm coming for the throne. I'm coming for the throne.
अच्छा जी, तो ये देख रहे हैं आप, ये हम दोनों की लाइटें। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी करवाई हुई है, इसने भी कराई हुई है, इसने अभी कराई है ताज़ी ताज़ी। मेरी देखो पीली पीली भी होगी, इसकी फ्रेश ब्राइट है। आप बंद कर दे, क्यों पेट्रोल जाया कर रहे। चलो जी खड़ी भी हम करें। तो यार बस करते हैं व्लॉग को एंड, और बड़ा मज़ा है आज आप लोगों ने हमारी सारी रूटीन देखी और बड़ा मज़ा है, और बड़ा थक गए यार। अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मुझे कॉल भी आ गई है घर से अम्मी की, यार वीकेंड है, फैमिली को टाइम देना चाहिए। बस क्या करें, आज इतनी ख्वारी हुई है, आप लोगों ने देखा है कि पूरा दिन हमें कोई 1:30 बजे के निकले हुए थे, अब जाके आए। तो बस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। अपनी बाइक बहुत चौड़ी चौड़ी लग रही है, एक हैंडल यहाँ है, वो इतनी मतलब छोटी सी लग रही थी ना, और बाकी बड़ा मज़ा आया। ठीक है, अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।